आइए इस क्रम को, इस कवि सम्मेलन की धारा को मैं थोड़ा सा एक घेर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग दिशा में ले जा रहा हूँ, और एक सुखद सूचना के साथ में मैं उन बड़े शायर को, पॉपुलर भाई को बुला रहा हूँ कि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले वर्ष इस देश के 25 बुद्धिजीवी महत्वपूर्ण लोगों का एक लिस्ट बनी थी हिंदुस्तान के, उसमें पहला नाम जो, दूसरा नाम जो था वो हमारे पॉपुलर भाई का था। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, पहला नाम मेरा था। पॉपुलर भाई के अलग अलग अंदाज हैं, और इस देश से जो विदेशों में जहां तक हिंदी उर्दू की अदब की महफिलें हैं, चाहे वो अमेरिका, कनाडा हो, यूएसए, अपने खाड़ी देशों, कहीं भी हो, विदेशों में सर्वाधिक विदेश यात्रा का रिकॉर्ड उनके नाम है, ये सच बात है। मैं चाहूँगा कि आप उन तक पहुँचे, वो आप तक पहुँचे, तो बेहतर होगा एक बार जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कीजिए, उन्हें आमंत्रित कीजिए। और आप सबको प्रणाम पेश करता हूँ, मंच पर आते भी आपको पेश करता हूँ, क्योंकि मैं आपको भिन्न भिन्न विषयों पर चार चार पंक्ति आपके समक्ष रखूँगा जी, लेकिन क्योंकि होली भी करीब है तो मैं चाहता हूँ कि होली पर चंद मुक्तक और एक गज़ल पेश करके फिर मैं अपने रंग पर आता हूँ। देखें जी जी बिल्कुल, हाँ आप थोड़ा सा हाँ जुड़ जाइए, बातें बातें बात। हुस्न के खूब दिखाती है नज़ारे होली, हुस्न के खूब दिखाती है नज़ारे होली, क्यों ना जज्बात मोहब्बत के उभारे होली, जज्बात मोहब्बत के उभारे होली, आज के रोज किसी को भी शिकायत न हुई, मैंने देखा जिसे वो साथ हमारे होली। हुस्न के हुस्न के खूब दिखाती है नज़ारे होली, क्यों ना जज्बात मोहब्बत के उभारे होली, आज के रोज किसी को भी शिकायत न हुई, मैंने देखा जिसे वो साथ हमारे होली। लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, एक दिन के वास्ते नफरत के नश्तर फेंक कर, और गैर के चेहरे पर उसने मल दिया सारा गुलाल, मुझसे भी होली मनाई उसने गोबर फेंक कर। गैर के चेहरे पर मल दिया उसने सारा गुलाल, और मुझसे भी होली मनाई उसने गोबर फेंक कर। और देखें कि अब नफरत ही सही रंग लगाने के लिए आ, अब नफरत ही सही रंग लगाने के लिए आ, इस वक्त नया छोड़ पुराने के लिए आ, नफरत ही सही रंग लगाने के लिए आ, अब नया छोड़ पुराने के लिए आ, जैसे तू खुजाती थी मेरी पीठ को पहले, होली पे भी ऐसे ही खुजाने के लिए आ, होली पे भी ऐसे ही खुजाने के लिए आ। बहुत अच्छे, आजा खुजाने के लिए, ये तीसरी बार आई है एक ही माला कोरोना वायरस के साथ। देखें एक गजल और देखें कि बेवफा भी हो गया है बावफा होली के दिन, बेवफा भी हो गया है बावफा होली के दिन, मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन, मैं तो क्या जाता वो खुद आकर मिला होली के दिन, और ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, ईद की यादें ख्यालों में सिमट कर आ गईं, जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन, जब कोई आकर गले मिलने लगा होली के दिन। और शेर देखें कि ईद के दिन मैंने जब पूछा, मैं ईद के दिन मैंने जब पूछा कि आप कब आओगे, ईद के दिन मैंने जब पूछा कि आप कब आओगे, मुस्कुराकर उसने यूं मुझसे कहा होली के दिन, ईद के दिन, ईद के दिन मैंने जब पूछा, ईद के दिन मैंने जब पूछा कि आप कब आओगे, मुस्कुराकर उसने यूं मुझसे कहा होली के दिन। और देखें देखना जाऊंगा मैं उसके साथ होली खेलने, देखना जाऊंगा मैं उसके साथ होली खेलने, रह नहीं सकता कोई मुझसे खफा होली के दिन, रह नहीं सकता कोई मुझसे खफा होली के दिन। और ये शेर देखें कि आज से मौसम की तब्दीली यकीनी हो गई, आज से
देखिए जब होली आती मौसम भी चेंज हो जाता है, आज से मौसम की तब्दीली यकीनी हो गई, दर हकीकत ये पता मुझको चला होली के दर हकीकत ये पता मुझको चला होली के दिन। और देखिए कुछ ना कुछ है पॉपुलर रंगीन मैं भी हो गया, हाय हाय, कुछ ना कुछ है पॉपुलर रंगीन मैं भी हो गया, मैंने भी उसके लबों को छू लिया होली के, मैंने भी उसके लबों को छू लिया है वो जिंदाबाद होली के दिन। धन्यवाद, शुक्रिया, वाह। अब आइए, अब मीटर में आओ, कुछ मुक्ता वही बात, और देखें देखें जी, बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हसी पे इनकी कभी एतबार मत करना, हसी पे इनकी कभी एतबार मत करना, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। वाह बहुत अच्छे, पॉपुलर भाई, पॉपुलर है आप। अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना, और देखें कि कई बार ना ना, ये बढ़िया है, इतना बढ़िया, कई बार ना ना, कई बार हूँ, कई बार ना ना, कई बार हूँ, ये क्या चीज है मेरे यार, हूँ ये क्या चीज है मेरे यार, हूँ किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार, हूँ किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने, वो भाई एक बार जाऊंगा, दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं, वाह। और देखें, मैं हूं जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूं जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूं मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाके मर जाऊंगा बम रहने दे। मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। और देखें, ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है, ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है, और ना कुछ माल कमाने में मजा आता है, नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। ना तो कुछ गाने ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है, और ना कुछ माल कमाने में मज़ा आता है, नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। और ये चार पंक्तियाँ देखें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें, कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और ये चार पंक्तियाँ देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है, और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये चार पंक्तियाँ देखें
यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फन पर के मैं जेब काटता हूँ। मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। वाह, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। वाह, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। और देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमियाँ के फासले। चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। हाय, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये चार पंक्तियाँ और देखें कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा। एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। और मैंने कहा था ना भिन्न भिन्न विषयों पर ये चार पंक्तियाँ देखें कि हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला। हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं। चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं। जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ दो चार वो तैयार बैठे हैं। बचे हैं जो यहाँ पर दो चार वो तैयार बैठे हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। अजी वहाँ भी आ रहा हूँ। देखें कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। अब कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। बहुत। और ये चार पंक्तियाँ देखें कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया। यूँ लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी हैं कैसे गजब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। कैसा बहुत अच्छे। हाँ, सासू माँ को पानी पी पी के कोसो। आज फटेगा घर जब इसका वीडियो जाएगा घर पे, बम फटेगा। हाँ, मेरठ में ही है। हाँ बिल्कुल जी भाई साहब, आदरणीय भाई साहब बैठे। कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूँ लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी हैं कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और रुख पर क्रीम आँख में काजल बदन है फूल, वो मेरे बस की है ना तुम्हारे ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। करीम आँख में काजल बदन है फूल, वो मेरे बस की है ना तुम्हारे ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। देखिए मैं ये करता हूँ, जो मशहूर शायर या कवि होते हैं उनकी एक पंक्ति ले लेता हूँ, तीन मेरी होती हैं। तो अब जैसे गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली, तीन मैंने इस पर लगा दी। कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, तोहमत कहते हैं आरोप इल्ज़ाम, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती।
और इसी तरह से बशीर बद्र का बहुत मशहूर शेर कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सल लगता है। तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली तीन मेरी कि साल भर हो कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रास की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सल लगता है। कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रास की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सल लगता है। और उनका बहुत मशहूर शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मैंने ये पंक्ति ली तीन मेरी कि देखें रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और देखिए एक शेर आपने बहुत सुना होगा मजरू साहब का कि मैं अकेले ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैंने ये किया साथ की जगह हाथ कर दिया। और उनकी एक पंक्ति ली तीन मेरी कि देखें रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मनचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। और देखिए एक और शेर और फिर उसके बाद एक छोटी सी कविता फिर इजाज़त। देखें ये महराज साहब का शेर है कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली तीन मेरी कि साल भर हो गया गुजरे हुए छम्मों को, मगर मुझ पे मायूसी का साया नहीं होने देते, रोज़ करते हैं नई अम्मी की बातें मुझसे, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और दो तीन मुक्तक और देखें जी कि हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार, देख खुद वा रहा हूँ कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। और तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, देखिए तदबीर जो होता है वो हम मेहनत से बनाते हैं, मेहनत करते हैं तदबीर से वो उससे मिलता है, मुकद्दर में जो लिखा हो तो मिल ही जाता है। अभी चार पंक्तियाँ देखें कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और बसों में बिकती हुई शह खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आँखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अब कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। आय हाय ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। देख एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो वो किस किस तरह से समझा रहे हैं, बहुत कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार, है बहुत मूड में इस वक्त, है बहुत मूड में इस वक्त दिलेजार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबां को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो।
डालते रहते हैं डोरे ये जमाने के हसी, डालते रहते हैं डोरे ये जमाने के हसी, अपनी नजरों में ऐसे कई गारत गरे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे समय खटका क्या है, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। खौफ रुसवाई, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो, खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और आखिरी बंद, चांद के पार, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हम हैं यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। वाह वाह, यह जो आपकी स्टैंडिंग ओवेशन है ये सबसे बड़ी है, ये मैं चाहूँगा कि इसी को ज़रा तालियों में तब्दील कर दीजिए। एक ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस, हर बॉल पे चौके छक्के बाउंड्री।